वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। लास्ट टाइम मैंने माइग्रेटरी बर्ड को किस तरह प्रिजर्वेशन करना है उसका अवेयरनेस मैंने वीडियो बना के आप सभी को दिखाया, उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में दिखाया, तो आप जब मेरे वो वीडियो में जाके देखेगा, जो माइग्रेटरी बर्ड जो जगह जो आता है, चिड़िया जो आता है, वो आने का मेन कारण क्या है, उसमें वो जो अंडरग्राउंड एक नमकीन वाला पानी निकलता है, बहुत ठंडा है पानी, जब बहुत ठंडा है उसका बहुत नमकीन है, तो उसको पीने के लिए बहुत सारा जानवर आता है, ये चिड़िया आता है। ये चिड़िया तो वहाँ बहुत जनरेशन से आ रहा है, आपका जून महीना में आता है, अक्टूबर का चला जाता है, तो अगस्त जुलाई अगस्त तक तो उसका नंबर थाउजेंड से बहुत जाता है। तो वो जगह को प्रिजर्व करने के लिए मैं हर साल अवेयरनेस करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम अपना वीडियो में बताया, तो मैंने इस बार भी कोशिश किया और इसको और अच्छा लाइमलाइट और अच्छा वे में मैं इसको अवेयरनेस देने के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था उसका पानी जो नमकीन है, तो उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने वहाँ से पानी लेके आया। ये है वहाँ का पानी का बोतल, मैंने बोतल में पानी लेके मैंने आया। अभी मैं इसको गरम करूँगा, उसको मैं बॉईल करूँगा, जितना हीट दे सकेगा मैं हीट देके इसको पूरा कम्प्लीटली एवोप्रेट होने दूंगा। उसके बाद मैं लास्ट में देखूँगा, उसमें देखाएगा कि लास्ट में क्या बचता है, उसमें सच में नमक निकलता है नहीं निकलता है, तो वो चीज़ को मैं टेस्ट करने के लिए अभी आप सभी को लेके जाऊँगा। तो उससे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मेरा, बहुत लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आप सब इसको शेयर कीजिए, ताकि ये हर कोने तक मेरा ये मैसेज पहुँचे, ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्पेशली ये मेरा माइग्रेटरी बर्ड जो है, इसको और अच्छा वे में प्रिजर्व कर सकने के लिए। और मेरे जितने भी व्यूअर्स है, काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए, देखता है तो मेरा सब्सक्राइबर कम है और मेरा व्यूअर्स ज़्यादा है, तो मैं मेरा व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा, आप जब मेरा व्यूज़, मेरा अगर वीडियो, मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में इतना तकलीफ नहीं है, आपसे वो सब्सक्राइब का वो जो उसको आप सिर्फ उसको क्लिक कर दीजिए, बस हो गया, तो आप तो देख रहा ही है मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब मुझे, क्योंकि मेरा जब लाइक उसका कमेंट्स उसके बाद जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो हमको लगेगा हाँ सच में लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे जो ब्लॉग है, मेरे जो वीडियो में जो कंटेंट लेके आता हूँ, आप सबको कुछ ना कुछ मतलब एक अवेयरनेस, एनकरेजमेंट या इंफॉर्मेटिव है, ऐसा लग के मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये नहीं कि मैं अपना आपको मतलब अपने आपको एडवर्टाइज करूँ, वो नहीं, एक्चुअली मैं कुछ अवेयरनेस करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें मतलब हटके से करना चाहता हूँ अपने एरिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आप सब जब मेरा वीडियो देख ही रहा है, तो कम से कम आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये मेरा तरफ से अपील रहेगा। चलिए अब मैं देखता हूँ पानी को, उससे क्या नमक निकलता है ना निकलता है, लेट्स वॉच। आपने अभी देखा होगा जो लास्ट रेसिड्यू जो बच गया वो नमक था, तो ये नमक के लिए, ये जो नमकीन वाला जो पानी, इसके लिए सब जानवर आके पीता है। तो मेरा प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकता है, तो वो जगह को, उसमें किस तरह का जानवर, वो माइग्रेटरी बर्ड कितना आता है, किस तरह वो पानी पीता है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें मैंने पूरा मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखाया। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में ये मेरा ब्लॉग में ये रहेगा, आप सभी ने देखा होगा फिल्मों में हीरो हीरोइन खुद को भेड़िया में, टाइगर में, लायन में, बुल कभी खुद को ये में, आपका सांप में ट्रांसफॉर्म करता है, आपने फिल्मों में देखा है। लेकिन मैं आप सभी को हकीकत में मैं ऐसा जगह लेके चलूँगा
जहाँ सच में लोग एक समय कुछ लोग अपने आप को जानवर में ट्रांसफॉर्म करते थे, तो वो एविडेंस जिन्होंने खुद को एक जानवर में ट्रांसफॉर्म करके जो एविडेंस जिन्होंने चोरा, वो एविडेंस को दिखाने के लिए मैं आप सभी को लेके चलूँगा। तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहना एंड कीप एनकरेजिंग मी और लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव ए गुड डे एवरीवन। बाय।